तो हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे लॉ का जो बेनेट में होता है। तो हमारे साथ अजित भाई बैठे हैं। मतलब हम भाई से पूछेंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस है ओवरऑल, और क्या प्लेसमेंट्स वगैरह का रहता है, टीचर्स कैसे हैं, मतलब ओवरऑल पूरा रिव्यू हम आपको दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अजित भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, जैसे मतलब मज़ा आ रहा है आपको इधर पढ़ हाँ के? बिल्कुल, ओवरऑल सही है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती थी ठीक, बट अगेन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, तो मतलब ओवरऑल हाँ, आई वो तो है। सेटिस्फाइड ठीक विद द आई एम है, सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ द कॉलेज। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो टीचर्स की बात करते हैं। आपको टीचर्स का क्या लगता है, यहाँ पे टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स बात होता है उसमें है कि इस सेमेस्टर में मेरे 6 सब्जेक्ट हैं, ओके, तो अराउंड चार सब्जेक्ट के टीचर ऐसे हैं जो कि वर्दित है पढ़ाने लायक, और वो अच्छे पढ़ाते भी हैं, बट दो ऐसे हैं जो बिल्कुल वर्दित नहीं है। पिछले सेमेस्टर में हाँ भी ये, ऐसा था कि दो तीन हाँ हाँ पिछले नहीं कर, सेमेस्टर में भी ऐसा था कि दो तीन ऐसे कि वो मतलब बिल्कुल उनका क्लास कोई अटेंड नहीं करना चाहता है, बट अगेन वही 50-60% टीचर ऐसे होते हैं जो मतलब पकड़ के रखते हैं, बच्चों को समझा पाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब ठीक है, नॉर्मली टीचर ऐसे ही होते हैं हर जगह भी, कि आप मतलब हाँ सारे के सेम सारे टीचर बीटेक, अच्छे मेरे नहीं बीटेक में भी ऐसा ही है। मतलब कुछ होते। टीचर्स को, मतलब बट बीटेक में ऐसा है कि मैं बोल सकता हूँ कि चलो 80% टीचर्स बहुत बढ़िया हैं, कुछ है 15-20% जो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ही बेकार पढ़ाते हैं। बट वो तो चलो कहीं ना कहीं तो रहता ही है ना, वो थोड़ा बहुत तो। तो मतलब अगर मैं जैसे आपको बोलूँ कि आप कितना रेट करोगे टीचर्स को ऑन अ स्केल ऑफ 5, तो आप बताओ। आई विल गिव 6 out of 10, नो, अच्छा आउट ऑफ 10, ओके आउट ऑफ 5 बोले तो आई विल गिव 3। ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीचर्स के बारे में। और मतलब एग्जाम्स वगैरह का क्या रहता है, मतलब इजी होते हैं, टफ होते हैं, क्या सीन रहता है, और चेकिंग वगैरह वो सभी बता दो। तो थर्ड ईयर में हो तो टीचर्स का मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपने तो बस डायरेक्टली पूछ लिया कि कैसे पढ़ाते हैं क्या करते हैं, बट वो कैसे कैसे बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं हाँ वो उसमें भी तो बता मैंने दो। पूछा, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि टीचर्स काफ़ी लीनियंट है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा लीनियंट है। बच्चों को अच्छा मतलब उतना परेशान नहीं करते हैं, उतना रूल नहीं रखते हैं, मतलब बहुत ईजी तरीके से पढ़ाते हैं, और बच्चे इसका कभी कभी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए पॉजिटिव वे में, बट निगेटिव वे में भी उठाते हैं, क्योंकि वो टीचर को ज़्यादा उतना सीरियस नहीं लेते हैं, क्लास को भी उतना सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा तो जब टीचर उतना लीनियंट नहीं है, तरीके का टाइट नहीं बनाते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चे पास कर जाए, क्योंकि तुम्हारे इंजीनियरिंग में ऐसा है कि तुमको 33 मार्क्स चाहिए होता है पास करने के लिए, बट लॉ में है कि 50% चाहिए, मतलब 50 से 1 नंबर भी कम आ गया तो तुम्हारा बैक लग जाएगा, तो ओ 50 नंबर चाहिए होते हैं। और एग्जामिनेशन एक्चुअली होते हैं कि 25 का इंटरनल होता है और 50 का ये एंड टर्म होता है, और 25 का ये होता है मिड टर्म मिड होता है, टर्म, तो ये है कंपोजिशन। तो उसमें क्या होता है कि मिड टर्म में तो बच्चे नंबर ला ले आते हैं, क्योंकि टीचर्स बहुत लीनियंट है, तो क्वेश्चन वैसा हार्ड नहीं पूछते, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी एंड टर्म थोड़ा हार्ड होता है, बट अगेन टीचर लीनियंट है, और एग्जाम ओवरऑल मतलब हार्ड नहीं है, मतलब जो कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी इंगेज्ड है पढ़ाई में, थोड़ा बहुत भी क्लासेस कर लेता है और थोड़ा बहुत उसको चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं, तो इजीली पास आउट हो जाएगा, यहाँ से कोई इशू नहीं है। अच्छा, और मतलब सीजीपीए मेंटेन करना कितना टफ रहता है, कितना मुश्किल आसान रहता है, वो बता दो। हाँ ये चीज़ मैंने, हम लोग का इंजीनियरिंग में ऐसा है कि बच्चे 9.8 ला रहे हैं, 9.9 ले आ रहे हैं, नाइन से हाँ नीचे तो मैंने किसी का देखा ही नहीं। हाँ लॉ में बिल्कुल ऐसा नहीं है, लॉ में मतलब बिल्कुल मार्क्स मिल जाते हैं, बट 50 से 60% के अराउंड आराम से मिल जाते हैं, बट वही अगर तुमको 70 से 80 या 80, तो उसके लिए तुम्हें आना चाहिए चीज़ें, ऐसे नंबर नहीं मिलता है। तो हम लोग में ऑन एन एवरेज हम बच्चों का बताएं तो 7 CGPA रहता है, 7.5 रहता है, अच्छा नाइन नाइन CGPA एक या दो बच्चे का हो सकता है, 3 बच्चे का, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। तो मार्क्स मिलते हैं बट वैसे नहीं मिलते जैसे इंजीनियरिंग में मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा तो आप लोग का फिर स्कॉलरशिप आपका भी ऐसा ही रहता है क्या, 8 से नीचे स्कॉलरशिप गई? हाँ, मेरे में भी ऐसा ही है कि स्कॉलरशिप के लिए आपको 80% चाहिए होता है 8 CGPA, तो मेरा भी था फर्स्ट ईयर में, बट सेकेंड ईयर में 7.9 आया था मेरा, तो मुझे फिर ख़त्म हो गया अरे मेरा, तो तो थोड़ा सा इशू है उसका। चलो,
ठीक है, तो मतलब सीजीपीए थोड़ा, मतलब ये कह सकते हैं ना कि सीजीपीए मेंटेन करना लॉ में टफ है थोड़ा यहाँ पे। हाँ, इंजीनियरिंग के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब 8 CGPA लाना इज लाइक, पर ठीक है, मेरा नहीं आया तो मैं अपने आप को ही देखता हूँ कि हाँ, नहीं मैंने नहीं वो उस तो ऑनलाइन चल रहा था, सही। एक्चुअली एक्चुअली वो ऑनलाइन चल रहा था, तो मैंने ही खुद उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो अगेन अगर आप पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स ला सकते हैं 9, क्योंकि बच्चे 9 पॉइंट ला रहे हैं, तो आखिर वो ला रहे हैं ना, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पढ़ते हैं तो ला सकते हैं, उतना भी टफ नहीं है। बट हाँ, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे थे तो हम जस्टिफाई नहीं करना चाहेंगे कि हाँ हम पढ़ नहीं रहे थे तो कॉलेज का गलती है, तो नहीं दिया ये वो, नहीं, मैं खुद नहीं था, मैं खुद आउट ऑफ लाइन चला गया था जब ऑनलाइन घर पे था, तो बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था पढ़ाई में, मेरा चलो फर्क था उस समय, बट नंबर ठीक ला है, ला सकते ला बच्चे, सकते हैं, नाइन चलो पर ला। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं अब आपसे पूछूं, जैसे मतलब क्या कॉलेज लाइफ कैसी लग रही है, जैसे मतलब कितने बजे से स्टार्ट होता है आपका क्लास और कितने बजे खत्म होता है? हम लोग का तो इस सेमेस्टर से 9:30 से हो रहा है, पिछले सेमेस्टर में 8:30 से होता था, और कब तक तो चलते हैं? और ये होता है वीक में 2 दिन चलता है, जो मंडे और फ्राइडे, रूटीन वेरी करता है, रोज का रूटीन सेम नहीं होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मंडे और फ्राइडे को होता है उस दिन 9:30 से 4:30 तक क्लासेस चलती हैं, बाकी दिन 9:30 से 1:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब अपना और अगर कुछ आपको जैसे कुछ पैशन वगैरह या कुछ भी आपकी अदर हॉबी है या कुछ और चीज़ करने का टाइम मिल जाता है ना दिन में? हाँ, मिल जाता है, वही 2 दिन बस नहीं मिलता है, क्योंकि उस 2 दिन में ज़्यादा टाइम चला जाता है, बट बाकी 5 दिन तो इनफ है अगर अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो तो। और मतलब क्लासेस ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है, 1:30 बजे ख़त्म ही हो जाता है, बट 1-2 दिन ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी किसी टीचर का सिलेबस पीछे छूटा हुआ होता है तो वो एक्स्ट्रा लगा एक्स्ट्रा, देते हाँ एक्स्ट्रा लगा देते हैं वो, क्योंकि उनको दिया हुआ था करके, ऐसे ऐसे उनको असाइन किया होता है, बट वो नॉर्मली लेते नहीं है, जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ लेना चाहिए तो वो लेते हैं। तो जहाँ तक हैं। बोल रहे हो क्वेश्चन है कि पैशन फॉलो करने के लिए, तो वो उसके लिए पूरा रात बाकी है, और वो सब चीज़ रात में ही आता है। ठीक है चलो, ये भी हो गया। और हॉस्टल लाइफ कैसी है आपकी? हॉस्टल लाइफ तो सबका सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, तुम लोग का भी और हम लोग का भी सेम ही है, तो मतलब ठीक है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा ग्रुप सर्किल कैसा है, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब इसका कोई आंसर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सब्जेक्टिव चीज़ है, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्किल कैसा है, तुम कैसे हो, तो तुम अगर प्रोडक्टिव बच्चों बिल्कुल के साथ हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत सारे बच्चे हो, तुम तो खुद स्टूडेंट हो तो तुमको भी पता होता होगा कि कैसे कैसे बिल्कुल, ग्रुप रहते हैं, कोई किन किनका किसी और चीज़ में पैसन चल रहा है, फूकने में तो कोई तुम कहाँ पे हो, तुम देखो, अगर तुमको ये चीज़ देखने आ रहा है तो तुम, ऑफकोर्स सब कुछ है यहाँ पे, पढ़ने से लेकर फूकने तक वाले बच्चे हैं, तो हमारा वो तो सही है। सीजन। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, और मतलब इवेंट्स कैसे रहते हैं लॉ के जो यहाँ पे होते हैं वो, आपके क्लब्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह, ये सब कॉलेज के, हाँ, इन सब के बारे में थोड़ा बता दो थोड़ा। क्लब्स वगैरह बहुत है, मतलब जितने भी एक अगर NLU का देखा जाए तो उसके हिसाब से तो ज़्यादा ही है, और यूनिवर्सिटी में रहा है, और जहाँ तक इवेंट्स की बात है तो इवेंट्स में ये लोग अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि इनका नेटवर्किंग इतना अच्छा है कि ये लोग मतलब किसी भी पर्सनालिटी को बुलाने की हैसियत रखते हैं, मतलब हाँ वो तो मैंने भी हाँ देखा है। लॉ में तो खासकर, मतलब ऐसे ऐसे MP और मतलब जजेस और एडवोकेट को ये बुला पाते हैं, जो कि नॉर्मली बहुत सारे यूनिवर्सिटी में मुश्किल है आना, तो ये चीज़ तो इनका प्लस पॉइंट है, मार्केटिंग में इनका तो प्लस पॉइंट है, मतलब रिसोर्स पर्सन लाना इनके लिए बहुत ईजी टास्क है। अभी कुछ दिन पहले डीन सर ऐसा बता रहे थे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं ये राष्ट्रपति को बुलाने के लिए, ओ उनको बुलाने के लिए, और फिर ये जो हमारे CGI है और उनको भी बुलाने के लिए, तो इनमें इनका बेस्ट है, इनमें इनका मतलब कोई अच्छे अच्छे से NLUs जो होते हैं, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनसे अच्छा है इन इन चीज़ के मामले में ये यूनिवर्सिटी। ओह अच्छा, ठीक है। और ये तो मोटा मोटी सब चीज़ हमने कवर कर ही दिया, और कुछ आपको ऐड करना है कुछ टॉपिक अगर आपके मन में है जो बच गया हो, कि मतलब अगर नहीं, कोई मुझे लॉ में? तो हाँ हाँ बोलो। करीब करीब तो तुमने बता ही दिया, बट ओवरऑल तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम पढ़ना है तुम्हें, तुम अगर अपने काम के प्रति फोकस्ड हो करना है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट प्लेस है, तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि तुम फोकस्ड रहोगे इसका यही बड़ा क्वेश्चन है। अरे हाँ, और मेन, हाँ बोलो बोलो, फिर मैं पूछता हूँ। अगर अगर कोई यहाँ पे आता है पढ़ने और कोई ये रिव्यू देख रहा है या सुन रहा है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुमको पता है कि तुम्हें क्या करना है, अगर तुम अपने
आपको संभाल, तो तुम आराम से कर सकते हो। यहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी है ही नहीं, पढ़ने से लेके मतलब हर चीज में, फ्रेंडशिप में, दोस्त में, कम्युनिटी में, हर चीज में मतलब बेस्ट है। बट वही है कि क्या तुम खुद को संभाल के तुम उस जो तुम्हें चाहिए वो कर पाते हो कि नहीं। और हाँ अच्छा, और मेन चीज हम उसका तो मैं पूछना भूल गया, प्लेसमेंट्स के बारे में आपका। हाँ, प्लेसमेंट्स चूंकि बहुत अभी कॉलेज खुले हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं, 2017 से स्टार्ट हुआ है हम लोग का बैच, तो पिछले साल प्लेसमेंट हुई थी बट उतनी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए। बट नॉर्मली ये भी है, एक और भी रीज़न है, क्योंकि लॉ इंजीनियरिंग के तरीके का नहीं है। लॉ में ऐसा होता है कि बहुत बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है। इंजीनियरिंग में होता है कि 90% बच्चे को प्लेसमेंट चाहिए, वो 10% ही होते हैं जो कैट करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, बाकी 90% को होता है उनको जॉब चाहिए। बट लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में होता है कि 50% से 40% ही बच्चे जॉब चाहिए होता है, बाकी को कोई जुडिशरी करना चाहता है, किसी के पापा का चैम्बर है, किसी को और कुछ और फील्ड में जाना है, तो ऐसा होता है। तो बहुत कमी बच्चे हैं जिनको प्लेसमेंट चाहिए, तो उनको प्लेसमेंट कॉलेज पूरा कोशिश करती है दिलवाने के, अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी और वो स्किल है जो चाहिए या किसी भी कंपनीज को या किसी भी लॉ फर्म को, वो अगर आपके पास है तो कंपनी कॉलेज मतलब सपोर्ट करता है उस चीज में कि हाँ आपको दिलाएगा। क्योंकि मैं खुद आईपीसी के टीम में था, तो मैं जब 2022 के जो बच्चे पास आउट हुए थे, तो मेरा टास्क था कि मुझे पूछना था सबसे कि कैसे कैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और वो कहाँ हैं अभी, मतलब पास आउट हो जाने के बाद भी उनसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ पे हैं, जुडिशरी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और अगर आपको असिस्टेंस चाहिए जॉब में तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का असिस्टेंस दिया जाता है। तो अगेन बात वही है कि बच्चे किधर जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल उन पर डिपेंड करता है। अगर उनको प्लेसमेंट करना है, अगर उनको प्लेसमेंट चाहिए, तो अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से भी अगर ये ठान लो कि हाँ मुझे प्लेसमेंट में जाना है, तो उसके तरीके डेवलप करना स्टार्ट कर दो, तो 2 साल में अगर आप इनफ 2 साल इनफ है स्किल डेवलप करने के लिए, और अगर स्किल डेवलप कर लेते हो तो आपको प्लेसमेंट गारंटी है कि ये कॉलेज दिलवा देगी। तो ठीक है, मतलब चलो ये तो सही है। एक फाइनल क्वेश्चन, मतलब अगर आप पीछे जाओ 3 साल पीछे, अगर आपको वापस ऑप्शन मिले बेनेट लेने का या कोई और कॉलेज लेने का, तो आप वापस बेनेट लेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। बात ये है कि डिपेंड करता है, कॉलेज लेने के पीछे बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर मोनेटरी एस्पेक्ट से देखे तो आई डोंट थिंक कि लेना चाहिए था, हाँ क्योंकि हाँ महंगा तो है कॉलेज, महंगा तो है। काफी ज्यादा महंगा है, क्योंकि उस समय मैंने स्कॉलरशिप सोच के ले लिया था और मुझे लगा था कि खींच दूंगा, बट वो हुआ नहीं। बट अगेन परस्यू तो करना था, तो पैसे के मामले में तो है वो चीज़, एक सेटबैक रहता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उसका कोई इशू नहीं है आपके घर पे, आपको पेरेंट्स को ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये चीज़ बाद में चल के मुझे स्ट्रेस का एक थी, अगर वो चीज़ नहीं है तो ऑफ कोर्स आ सकते हो, क्योंकि एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, पढ़ने के लिए भी अच्छा कॉलेज है, सब कुछ के लिए अच्छा कॉलेज है। बट वही हाँ, अगर वो चीज़ बजट के हिसाब से आपको देखना होगा, क्योंकि नॉर्मली ये जिसका कॉलेज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जो जो सबसे महंगा कॉलेज है उसमें ये दूसरा नंबर पे, इससे सबसे महंगा एक और है जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फील्ड में बता रहा हूँ, तो एक जिंदल है वो सबसे अच्छा महंगा है, उसके बाद ये दूसरा नंबर पे है जो सबसे ज्यादा महंगा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब तो कोई सीन ही नहीं, आप चिल होके आइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास बजट उतना नहीं है, तो आप कम बजट में भी अच्छे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं आ रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जाऊंगा तो मे भी मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे ऐसा लगता था। बट मुझे अब पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छे मतलब इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आओगे तभी आप सक्सेस कर सकते हो, नहीं आप कहीं से भी कर सकते हो। बट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स आप यूनिवर्सिटी में ले सकते हो, लॉ ऑफकोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल गई होगी। अजित भाई ने बहुत डिटेल में बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी सही। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोशिश करेंगे आपका डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाए। बाकी थैंक यू अजित भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें टाइम निकालने के लिए। थैंक यू तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।